हाय एवरीवन, सो आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट रे ऑप्टिक्स में। हमने काफी सारी चीजें पढ़ ली थी, प्रिज्म वगैरह, लेंसेज पढ़ लिए, मिरर पढ़ लिए और भी बहुत सारी बातें की थी। एक टॉपिक अब हमारे पास रह गया है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट। बहुत से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट की तो बहुत कम है। मेनली अगर हम देखें तो दो तीन बातें ही करने वाले कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है ना। उसके बाद हम देखेंगे कि एब्रेशन क्या होती है। मतलब मान लो तुमने कभी देखा होगा कि हमारे पास लेंस है या फिर मिरर है। अब दोनों में कभी डिफेक्ट भी तो हो सकते हैं कि वो अच्छी इमेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे, ब्लर इमेज प्रोड्यूस कर रहे। तुमने देखा भी होगा अपने लैब में, एक्सपेरिमेंट किए होंगे क्लास में। और फिर उनको अगर मान लो अब है तो क्या करें, अगर मान लो उनमें डिफेक्ट है, होती है चीजों में गलतियां, तो उसे सही भी तो करना पड़ेगा। तो सही करने के भी तरीके आज मैं बताने वाला हूं कि उसको सही कैसे करते हैं। साथ ही साथ मैं तुम्हें यह भी बताने वाला हूं आज की एक वर्ड होता है जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एब्रेशन, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रेशन। अब इन्हें ढूंढ लेना तुम कहीं भी और तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आने वाला कहीं भी, क्योंकि इतना डिफिकल्ट बना देते हैं चीजों को। आज हम समझने वाले हैं बहुत ही ईजी बना के चीजों को और एकदम मजेदार कूद उछल के, ठीक है। तो ये सारी चीजें करने वाले हैं आज के लेक्चर में। स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और एक लास्ट चीज थी कि ये जितनी भी हमारी ये पूरी जो सीरीज है हमारी, ये बैक बेंचर सीरीज है ना, काफी फनी सा नेम है बट मुझे बहुत अच्छा लगा तो और थोड़ा रिलेट कर पा रहे हैं बैक बेंचर सीरीज, क्योंकि हम भी वही थे। तो आई होप कि ये सारी सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे, स्टेप बाय स्टेप सारे लेक्चर देख रहे होंगे। मेरे ख्याल से शायद अगर तुम थोड़े टाइम बाद देख रहे हो तो मेरी लेक्चर की पूरी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है। सो वैसे तो अभी तक अगर डिस्पर्शन में पहुंच गए तो काफी सारा देख ही लिया होगा, है ना। तो सबसे पहली आज चीज स्टार्ट करते हैं। मैं अभी आऊंगा डिस्पर्शन ऑफ लाइट पे आऊंगा, उससे पहले ना मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहूंगा। एक ना साइंटिस्ट फिजिसिस्ट कह सकते हो, एक थे कॉशी। तो उन्होंने कॉशी ने क्या कहा, तो यहां लिख लो कॉशीज इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इन्होंने क्या कहा, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता ना और किसी भी लाइट की जो वेवलेंथ होती है उसमें रिलेशन होता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, मतलब देयर इज अ रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें यहां लिख के दिखाऊं, फॉर अ ट्रांसपेरेंट मीडियम अ लाइट बीम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट बीम डिपेंड्स ऑन दी वेवलेंथ। अच्छा देख पा रहे, वेवलेंथ टीएच का दाव ही बना रहे, वेवलेंथ ऑफ दी लाइट बीम। तो मतलब कहने का है ये जो कोशी थे इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और इन्होंने एक अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला दिया। मतलब हम अप्रोक्सीमेटेड यूज करेंगे, उतना ज्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं, और हमारे तो फॉर्मूला एक काम करनी है, हमने तो रिलेशन देखना है ना कि कैसे डिपेंड करता है। तो इन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, ठीक है, उस फॉर्मूला को हमें थोड़ा सा एनालाइज करना है। एंड इक्वेशन इज गिवन बाय मैं देख लू ये साफ आ रहा है हमारे कैमरा में, एकदम चमचमाता हुआ, चलो आ जाओ। तो इक्वेशन कुछ ऐसे थी कि म्यू एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा, म्यू क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लाइट, इस बार किसकी बात कर रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट बीम। अब तुम कहोगे सर ये लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो उसका नहीं होता था मीडियम का। अभी यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में और लैम्डा में भी क्या आने वाला, रिलेशन आने वाला, मतलब अलग अलग लैम्डा के लिए अलग अलग म्यू होने वाला किसी भी मीडियम का। मान लो एक ग्लास है, ग्लास में जैसे ही लाइट एंटर करेगी, मान लो व्हाइट लाइट है, तुम्हें पता है व्हाइट लाइट 7 कलर से बनी होती है, मैं बताऊंगा तुम्हें, दिखाऊंगा भी, व्हाइट लाइट जो होती है 7 कलर से बनी होती है। जैसे वो मीडियम में घुस जाती है, अलग अलग वेवलेंथ के कलर जो होते हैं, क्योंकि हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, रेड की सबसे ज्यादा, वायलेट की सबसे कम, तो वो अलग अलग वेवलेंथ अलग अलग तरह से ट्रेवल करती है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो ये इन्होंने बताया रिलेशन क्या था, ये सिंपल सा रिलेशन था कि मान लो म्यू लैम्डा, म्यू एज अ फंक्शन ऑफ लैम्डा है, तो ये कैसे डिपेंड करता है, ए प्लस बी अपॉन लैम्डा का स्क्वायर।
क्या इतनी सी क्वेश्चन नहीं, अभी बहुत सारे और भी टर्म थे, हायर ऑर्डर पावर हमें नहीं जरूरत है, हमें नहीं जरूरत है उन सब की, हमें तो बस इतना देखना है कि ये कैसे डिपेंड करता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां से सीधा सीधा मैं तुम्हें बताना चाहूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दिस, सीधी सीधी बात हमारा डस्टर। सीधी सीधी बात तो ये थी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लैम्डा ज्यादा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, इसका मतलब हमें पता है फोर रेड लाइट, एक चीज हमें पता है रेड लाइट का जो लैम्डा होता है वो ज्यादा होता है वायलेट से, इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग ये है कि म्यू ऑफ रेड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड कलर विल बी लेस एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द वायलेट कलर। वायलेट कलर जो होता है वो ज्यादा स्पीड से जाता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, समझ पा रहे ना बात को, हाँ पक्का हाँ। तो वायलेट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है, मतलब मैंने स्पीड बोल दिया शायद है ना, फ्रीक्वेंसी, स्पीड की जगह फ्रीक्वेंसी याद रखो, अभी स्पीड भी उसमें नहीं जाते हैं, अभी स्पीड पे तो बोल बात हो गया ना वेव ऑप्टिक्स में, अभी फिलहाल के लिए बस ये याद रखो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, रेड का वेवलेंथ ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी कम, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और वेवलेंथ कम इसकी वायलेट, ये चीज ध्यान रहेगी हाँ, ये चीज थी हमारे पास इंपॉर्टेंट जिसको ध्यान रखना। तुम पूछ सकते हो कि सर ये ए बी क्या है, हियर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स, ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट्स एंड डिपेंड्स ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल, अब वो मटीरियल कैसा है उस पर भी डिपेंड करें मटीरियल, अब वो मटीरियल कैसा है उसकी प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है ये ए और बी, ठीक है, हमें ए और बी में जाएंगे नहीं, इतना डीप नहीं जाना, हमें तो बस इतना जानना था, ये जो कंक्लूजन हमें ये जानना था और ये फॉर्मूला ध्यान रख लेते हैं, कभी उन्होंने ऐसे ही मान लो एमसीक्यू में फॉर्मूला ही डाल दे कि कौन सा फॉर्मूला सही है, तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो हमारे दिमाग में हो, ये चीज का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो, बात समझ आ रही है क्या। हाँ, मैंने अभी स्पीड की कोई बात नहीं की है, फिर से मैं हाईलाइट कर देता हूं, आई हैव नॉट टॉक्ड अबाउट स्पीड, अगर बोला भी है तो भूल जाओ अभी उसको, अभी आप एक नोट डाल लेते, नोट अब तुम यहां से देख पा रहे हो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसके लिए ज्यादा बड़ा बैरियर बनेगा, इसके लिए कम बड़ा बैरियर बनेगा, वो मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ वायलेट कलर लाइट, वायलेट लाइट विल बी स्लोअर देन स्पीड ऑफ रेड कलर, रेड लाइट, रेड लाइट। कैसे पता चला सर आपको, मेरे को पता चला यहां से, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा हुआ, ऐसे वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ा हुआ तुमने, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी, एक मतलब मुझे पता है कि मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं, बट शायद तुमने ये फॉर्मूला पढ़ा हो, वैसे तो हम वेव ऑप्टिक्स की स्टार्टिंग में ही पढ़ाएंगे, बट ये शायद तुमने पढ़ा हो, ऐसा स्नेल्स लॉ के आसपास आता था ये फॉर्मूला, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, पढ़ा हुआ है हाँ। तो यहां से हमें पता है कि ये जो म्यू होता है दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, अगर म्यू बड़ा होगा तो ये वेलोसिटी कम होगी, म्यू बड़ा है तो वेलोसिटी इसकी कम होगी, यहां से पता लगा मुझे, नोट है इंपॉर्टेंट, इसमें स्टार बना लेना, बात समझ आ गई, तो ये था हमारे पास, तो इसको नोट कर लो अच्छे से, समझ लिया तो, दो मिनट दे रहे हैं इसको नोट कर लो अच्छे से, कर लिया चलो आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट अपने पास हेडिंग डाल लो डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट को मैं तुम्हें दिखाना भी चाहूंगा एक छोटी सी क्लिप से, और फिर मैं तुम्हें उसकी डेफिनेशन भी लिखवाना चाहूंगा, चलो देखो, अभी तुम्हें दिख रहा होगा कि जैसे ही व्हाइट लाइट किसी भी प्रिज्म में फॉर एग्जाम्पल एंटर करती है, तो जैसे ही किसी भी, जरूरी नहीं है प्रिज्म में एंटर करे, किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगी व्हाइट लाइट, तो वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर्स में, और हमें कितने कलर देखने को मिलते हैं, सेवन कलर्स, विव ग्योर वी आई बी जी वाई ओ आर, ये सारे कलर हमें देखने को मिलते हैं, सो ये चीज का ध्यान देंगे, ठीक है, क्यों स्प्लिट होती है सर, क्वेश्चन तो ये सर स्प्लिट क्यों हुई, क्योंकि अभी अभी रीजन बताया, हर कलर की अलग अलग वेवलेंथ होती है, सबसे ज्यादा होती है रेड की, हर कलर की क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ होती है, इसलिए हर कलर अलग अलग वेलोसिटी से, स्पीड से ट्रेवल करता है, अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करने की वजह से कोई ज्यादा बैंड हो जाता है, कोई कम बैंड हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिस्पर्शन या फिर स्प्लिटिंग ऑफ लाइट दिखाई देती है। तो लिख ले यहां पर डेफिनेशन हमारे पास क्या आएगी, व्हेन व्हाइट लाइट इज, यहां पर हेडिंग डालना डिस्पर्शन ऑफ लाइट, डिस्पर्शन ऑफ लाइट,
तो यहां पे सिंपल सी डेफिनेशन है, लिख लो, व्हेन व्हाइट लाइट लाइट एंटर्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, पहले तो ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन, एंटर्स इनटू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम मीडियम देन ड्यू टू वेरियस वेवलेंथ्स वेरियस वेवलेंथ्स इट स्प्लिट्स इनटू डिफरेंट कलर्स, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट हो जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट एंगल्स। अभी मैंने तुम्हें दिखाया भी है, मैं एक और बार बता देता हूं कि मान लो ये हमारे पास एक, जरूरी नहीं है ऐसा हो कोई भी सरफेस, जरूरी नहीं है, मैं प्रिज्म नहीं बना के दिखाना चाहूंगा क्योंकि हर जगह पे प्रिज्म ही बनाया होता है, इसलिए मैं यहां पे तुम्हें बना के दिखाना चाहूंगा कुछ ऐसा। ये हमारे पास नॉर्मल है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ जाएगा रेड कलर, ये हमारे पास आ जाएगा वायलेट कलर, और इसके बीच में सारे हैं, ठीक है, इसके बीच में सारे हैं, सेंटर में क्या होगा येलो, इस चीज का ध्यान रखो, रेड येलो व्हाइट, वायलेट सबसे ज्यादा बैंड क्यों हो, क्योंकि इसकी स्पीड सबसे कम थी, सबसे कम स्पीड थी तो जितना बैंड हो सकता था वो हो गया, मैक्सिमम बैंडिंग इसी में ही आती है। ये जो तुम्हें रेड थोड़ी सीधी सी लग रही है, इसको सीधी मत करो, थोड़ी सी टेढ़ी दिखाओ, ठीक है, इसको थोड़ा टेढ़ा कर लेते हैं, अब ठीक है, वाइट रेड, अब ठीक है, थोड़ा सा बस तुम स्ट्रेट बना लेना इन लाइंस को, ठीक है। तो ये जैसे ही स्प्लिट हो जाएंगे, स्प्लिट क्यों होती है डिफरेंट एंगल्स पे, क्योंकि सर यहां पे अलग अलग वेवलेंथ होती है सबकी, सबकी अलग अलग वेवलेंथ होती है तो सारे अलग अलग एंगल से डिफ्लेक्ट होंगे, बात समझ पा रहे हैं, सबसे अलग अलग एंगल पे डिफ्लेक्ट होंगे। वॉयलेट जो है वो सबसे धीरे चलेगी क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स वॉयलेट के लिए सबसे ज्यादा होने वाला है। रेड सबसे तेज चलेगी क्योंकि उसका हमारे पास स्पीड है वो सबसे ज्यादा होने वाली है। स्पीड ज्यादा क्यों होगी, रीजन मैंने बता दिया है, स्पीड ज्यादा होने की वजह है हाई वेवलेंथ, ठीक है, जितनी ज्यादा वेवलेंथ रेड की उतनी ज्यादा उतनी कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, जितनी कम रिफ्रेक्टिव इंडेक्स उतनी ज्यादा स्पीड। वायलेट के लिए आ जाओ, कम वेवलेंथ ज्यादा रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम स्पीड, वायलेट वी लिख लेने आप, वी कम स्पीड, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो। तो यहां पे हम समझ चुके हैं कि वॉयलेट में जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो ज्यादा होता है और रेड में जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है। नोट एक और लिखेंगे कि वॉयलेट बेंड्स मोर एज कंपेयर्ड टू रेड। तो ये कंक्लूजन हम यहां से निकाल सकते हैं, हमने देखा है अच्छी तरह और हमें समझ भी आया है। डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म, अ प्रिज्म से भी क्या होता है यहां पे, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। मैंने अलग से ही ले लिया है एक चीज, व्हाइट लाइट बाय अ प्रिज्म। मैंने अभी तो कोई भी रैंडम एक ट्रांसपेरेंट सरफेस ले लिया था, अभी मान लो मैं प्रिज्म ले लू, यहां से एक लाइट एंटर किया, कुछ ऐसे हुआ, यहां से अलग अलग पार्ट्स में ऐसे, यहां वाले पार्ट यहां ऐसे अलग अलग पार्ट में ये ब्रेक हो गई है, इस चीज का ध्यान रखें। अभी तो बड़े ध्यान से देखोगे ना, तो यहां पे हमें वो विबग्योर देखने को मिलेगा। अगर मैं यहां पे एक स्क्रीन लगा दूं, ऐसे मैंने मान लो एक स्क्रीन लगा दी है, तो स्क्रीन पर मेरे को विबग्योर जो पैटर्न है वो दिखाई भी देगा, ये मान लेते हैं व्हाइट लाइट, इस चीज का ध्यान रखो, ये व्हाइट लाइट है और ये दो पार्ट में स्प्लिट होगी। देखने वाली बात ये थी कि भैया यहां पे ना, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो दो रिफ्रैक्शन हो रही है, ठीक है। तो अगर हम इसके बारे में बताना चाहें तो हम यहां लिखेंगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट टू सर्फेसिस ऑफ अ प्रिज्म। हाँ, तो हम यहां पर लिखेंगे ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट टू सर्फेसिस
light splits into different colors and form a spectrum. जो स्पेक्ट्रम हमारे पास कैसा होगा, विबग्योर जैसा स्पेक्ट्रम होगा. इस चीज को हमें ध्यान रखना पड़ेगा. एंड फॉर्म अ स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट. इस चीज को समझ आ गया हो तो इसको नोट कर लेते हैं. अगर नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं. हमारे पास अच्छे से नोट कर लो, नोट्स बनाने साथ साथ. वैसे तो मैं लिखवाता नहीं हूं, आज लिखवा रहा हूं, तो अच्छे से बना लेना. वैसे नोट्स जिसको भी डाउनलोड करने हुए तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी तुम्हारे लिए इसके नोट्स डाल दूंगा, तो अच्छे तरह वहां से मतलब देख के उसको भी एक बार रीड कर लेना. नेक्स्ट लिखते हैं डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास स्लैब. मैं सारे ही जितने भी केसेस पॉसिबल है सारे लेने वाला हूं, तो ध्यान रखना आराम से. डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास स्लैब. इस चीज को ध्यान से देखेंगे, ठीक है? इसको ध्यान से देखेंगे. मेरे ख्याल से नोट कर लिया होगा तो इसको भी रब कर लेते हैं. हाँ. अभी ग्लास स्लैब जो है ना, मैंने बहुत डिटेल में पहले ही तुम्हें पढ़ा रखा था, तुम्हें कोई दिक्कत तो आने नहीं वाली है. जैसे ही लाइट इसके बीच में एंटर करेगी, मैंने तुम्हें बताया था ये कैसे जाती है, ये जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. लेकिन इस बार दिक्कत आ जाएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल तो जानी थी, लेकिन इस बार अलग अलग कलर में जाएगी. मैं दोबारा बना लेता हूं इसको थोड़ा टेढ़ा करते हैं. ये लाइट गई है, ऐसे सीधी जानी चाहिए थी, ऐसे बेंड हो गई, और यहां पे दूसरा कलर. बताना इनमें से वॉयलेट कौन सा है, रेड कौन सा, खुद के मन में बता दो. वॉयलेट कौन सा, रेड कौन सा, तो ये वॉयलेट होने वाला है, ये रेड होने वाला है. अभी अभी मैंने बताया था, ज्यादा बेंड होगी वॉयलेट, रेड होगी कम बेंड. ठीक है, इतनी सी बात थी. हाँ, अब ठीक है. अभी नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि अलग अलग पार्ट में मैं तो तुम्हें दिखा रहा हूं ना कि इतनी ज्यादा मतलब इसमें गैप है, इतना ज्यादा नहीं होने वाला, कुछ ऐसा होने वाला. इसके अंदर बाकी की 7 लाइट्स भी हैं, ठीक है, सेंटर में येलो है. उसके बाद क्या होता था, उसके बाद ये फिर से वापस ऐसे बेंड हो जाती थी, उसके बाद ये फिर से ऐसे बेंड हो जाती थी, इसके पैरेलल हो जाएंगे. ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे. अब ये जो है ना हमारे पास, इसका मतलब ऐसे कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, तो तुम्हें समझाने के लिए कि किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर अगर कभी भी व्हाइट लाइट को तुम भेजने वाले हो, व्हाइट लाइट को, क्योंकि व्हाइट लाइट में बहुत सारी अलग अलग वेवलेंथ प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो अलग अलग कलर में स्प्लिट हो जाती है. अगर अलग अलग कलर में स्प्लिट होंगी तो रेड जो रेड होगी वो कम बेंड होगी, जो वायलेट होगी वो सबसे ज्यादा बेंड होगी, बीच में कौन सी होती है, येलो. ठीक है, फिर जैसे ही बाहर निकलेगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होता है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल रेड होगी, उसमें कम एंगल होगा, और वायलेट में फिर भी ज्यादा एंगल होगा, ज्यादा बेंड होने वाली. ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे. बात समझ में आ रही है? तो इसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं तो हमारे पास आने वाला है डिस्पर्सिव पावर. यही टॉपिक के लिए बच्चे इंतजार करते हैं कि डिस्पर्सिव पावर हमें कब पढ़ाएंगे टीचर. तो लिखेंगे डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म मटीरियल. इस चीज का ध्यान रखेंगे. अब ये डिस्पर्सिव पावर होता क्या, डिस्पर्सिव पावर सिंपल सा तुम देखो ना, अगर मैं इसकी डेफिनेशन तुम्हें बताना चाहूं तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है, डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव डेविएशन ऑफ लाइट बीम फ्रॉम द मेन पोजीशन. मैं यहां लिख ही देता हूं, ऐसे याद नहीं रहेगी फिर. दिस इज द डिस्पर्सिव पावर इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव डेविएशन. कितनी डेविएट किया वो, ठीक है, प्रिज्म में. रिलेटिव डेविएशन ऑफ लाइट बीम कितनी ज्यादा बेंड की है लाइट एक प्रिज्म में, कहां से बेंड की है, लेकिन कहां से, मीन पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो सीधा मेरे को पता है थ्योरी नहीं समझ आएगी, तो डेफिनेशन वैसे रटने के लिए समझने के लिए समझो. अब हमारे पास क्या होगा, सीधा पहले तो इसको ओमेगा से डिनोट करेंगे, टेढ़ा भी कर सकते हो, मतलब
बैड जोक। तो यहां पे हमारे पास ओमेगा से डिनोट करेंगे और यहां पे क्या लिखेंगे इसको, डी थीटा बाय थीटा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्सिव पावर। अभी डिस्पर्सिव पावर जो हमारे पास है इसमें डी थीटा क्या है सर, ये थीटा क्या है सर, तो बताते हैं, एक मिनट रुको, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। अभी मैं इधर वाली रे नहीं बना रहा, मान लो बना भी लिया कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, ये अलग अलग कलर पे आ रहे हैं, ठीक है, ये ऐसे आ रहे वॉयलेट और रेड, रेड और वॉयलेट, ठीक है, जानी ऐसे चाहिए थी रे, जानी ऐसी चाहिए थी, गई ऐसे, है ना, यहां से लेके बीच में कौन सा है येलो, यहां है रेड, यहां है वॉयलेट, बीच में येलो, ये जो हमारे पास बीच में आया है ये मीन होगा दोनों का, मतलब दोनों के बीच वाले नंबर को तो मीन कहते हैं, जैसे थ्री और वन के बीच में टू, वैसे ही रेड और वॉयलेट के सेंटर में क्या होगा येलो। बात समझ पा रही है, ये जो हमारे पास है दिस इज कॉल्ड थीटा, ये जो हमें दिखाई दे रहा ना जिसमें मैं एरो बना रहा हूं दिस इज डी थीटा। डाइजेस्ट करो इसको, इसकी रेशो को हम क्या कहेंगे, डिस्पर्सिव पावर। और डिस्पर्सिव पावर की क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होती है वो तो मैं भी बड़ी जल्दी बताने वाला हूं, लेकिन पहले इसको यहां तक लिख लो कि डिस्पर्सिव पावर होती क्या है। डिस्पर्सिव पावर होगी मीन जो येलो है उसका कितना हमारे पास, याद रखना अभी मैं पूरा आगे का टॉपिक स्पीकर आने वाला हूं, जो थीटा है वो होता है येलो के साथ, डी थीटा होता है येलो रेड और वायलेट के साथ एंगल। बात समझ आ रही है, हाँ, तो यहीं से तो डिफाइन किया मैंने डी ओमेगा। अभी ये जो डी थीटा है ना, डी थीटा अभी हम इसे लिख भी सकते हैं, ये डी थीटा जो हमारे पास है दिस इज दी, पहले ये लिख लो, थीटा इज दी मीन डेविएशन, एक मिनट रुको, थीटा इज दी मीन डेविएशन ऑफ, मीन डेविएशन ऑफ लाइट, मीन डेविएशन ऑफ लाइट, मीन डेविएशन ऑफ लाइट मतलब दोनों के बीच में से जो लाइट पास कर रहे हो, दोनों के बीच में कौन सी है, येलो लाइट। और ये डी थीटा क्या है, कैन एनीवन टेल मी डी थीटा क्या है, यहां पे डी थीटा हमारे पास होने वाला है चेंज इन डेविएशन ड्यू टू वेरिएशन इन रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यहां लिखेंगे चेंज इन डेविएशन, मतलब आनी तो बीच वाली चाहिए थी लेकिन इसका ये जो बीच का चेंज है, अगर ये चेंज ज्यादा होगा, अगर ये चेंज ज्यादा होगा तो ज्यादा बड़ा डिस्पर्सिव पावर आने वाली है, और अगर कम होगा तो कम आने वाली है। अच्छा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, फिजिकल सिग्निफिकेंस तुम्हें यहीं से समझ आ जाएगी, क्या ज्यादा डिस्पर्सिव पावर अच्छी बात है या कम डिस्पर्सिव पावर अच्छी बात है। मैं वीडियो के आगे चलते चलते अभी एंड तक तुम्हें ये क्लियर करूंगा, लेकिन मुझे तुम बताओ क्या ज्यादा डिस्पर्सिव पावर अच्छी बात है या कम डिस्पर्सिव पावर अच्छी बात है। एक प्रिज्म है जिसकी ज्यादा डिस्पर्सिव पावर है, बताओ क्या फायदा क्या नुकसान, तो चेंज इन डेविएशन ऑफ, सो ये हमारे पास आ जाएगा चेंज इन डेविएशन ऑफ लाइट, ऑफ लाइट ड्यू टू डेविएशन ऑफ लाइट, डेविएशन ड्यू टू डिफरेंट डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे इनके लिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं पहले बता चुका हूं, विच इज ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट। क्या ये ज्यादा डिस्पर्सिव पावर अच्छी बात है या बेकार बात है, अगर ये जितना ज्यादा होगा इसके बीच में डिस्पर्सन, जितना ज्यादा होगा ये चेंज इन डेविएशन, उतनी ज्यादा होगी डिस्पर्सिव पावर, क्या ये अच्छी बात है या बेकार बात है, इसी पे हमें चर्चा करनी है। बट फिलहाल के लिए मैं तुम्हें एक छोटी सी चीज कराना, ये नोट कर लिया, अभी क्वेश्चन क्या है, डिस्पर्सिव पावर ज्यादा अच्छी बात है कम अच्छी बात है। अभी मेन चीज जो हम कराने वाले हैं, फॉर स्मॉल एंगल प्रिज्म, क्या तुम्हें फॉर्मूले याद है, प्रिज्म के फॉर्मूले याद है, एकदम कूद के पड़ जाओगे तुम तो, डेल्टा किसके इक्वल आएगा, डेल्टा हमारे पास आ जाएगा ए म्यू माइनस वन, ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं थी। हाँ सर एक बात आप कह सकते हो कि अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दू बोथ साइड तो क्या होगा, आ जाओ देखते हैं, अगर मैं कर दू डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो ये बन जाएगा डी डेल्टा, ये बन जाएगा ए डी म्यू
और वन की क्या हो जाएगी जीरो। चलो ठीक है मान लेते हैं, डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट, सेकंड बाय फर्स्ट, तो ये आ जाएगा डी डेल्टा डिवाइडेड बाय डेल्टा विच इज इक्वल टू डी म्यू अपॉन में म्यू माइनस वन। अरे ये भी तो सेम चीज आ गई, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड ओमेगा। ये वही तो है, ये हमारे पास चेंज इन डिस्पर्सिव पावर, और कहां बनाया था हमने, यही बनाया था ना अभी अभी, ये जो बनाया था हमने दो मेन ये वाला पार्ट था, ऐसे जाती थी लाइट और यहां से लेके जो सेंटर, जो सेंटर तक होता था वो डेल्टा, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज डी डेल्टा, दिस इज डी डेल्टा। इस चीज को ध्यान रखेंगे, डी डेल्टा क्या है, ये बड़े वाले और ये छोटे वाले बीच का डिफरेंस, ठीक है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा ड्यू टू वायलेट माइनस डेल्टा ड्यू टू रेड, ऐसे भी लिख सकते। थोड़ी थोड़ी बात समझ आ रही है, फॉर्मूला हमारे पास इंपॉर्टेंट है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, डेफिनेशन में लिखवाया था कि डिस्पर्सिव पावर इज अ फंक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लो आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंक्शन। लेकिन ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड कर रहे हैं, हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ये फॉर्मूला है प्रिज्म के लिए, ये चीज को ध्यान रखेंगे, और वो भी स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए, तभी हम ये फॉर्मूला लगा पाते हैं। मैंने तुम्हें ये सारी बात बताई हुई है पहले, सारी अपनी प्रॉब्लम्स इस टॉपिक की प्रॉब्लम मैंने तुम्हें सारी ही बता रखी है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है, बात समझ पा रहे हो। हाँ आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट जो अपने पास आ रहा है डिस्पर्शन में, कुछ भी छोड़ के नहीं जाने वाले, ये चीज को ध्यान रखना। तो नेक्स्ट लिखेंगे डिस्पर्शन एनालिसिस बाय अ थिन एंगल प्रिज्म, तो यहां लिख लो डिस्पर्शन एनालिसिस बाय अ थिन एंगल प्रिज्म, बात समझ आ गई, थिन एंगल प्रिज्म बनाया यहां से ऐसे, इसको थोड़ा सही से बना लेते हैं, और ये बीच में से भी एक पास करा देते हैं येलो, हमें पता है ये रेड येलो वायलेट, ठीक है। अब ठीक है, जानी कैसे चाहिए थी, ऐसे मान लेते हैं यहां से लेके पहले वाला रेड, दूसरे वाला येलो और तीसरे वाला वायलेट, ठीक है सर, एकदम बढ़िया समझ आ गया। हमें पता है एक चीज, तो हमें पक्का पता है इसके लिए कि हमारे पास ना, अगर क्योंकि स्मॉल एंगल प्रिज्म है, मान लो ये एंगल है हमारे पास ए, एंगल है ए, अगर ये स्मॉल एंगल प्रिज्म है तो पक्का इसके लिए ये वाले फॉर्मूलास तो वैलिड होंगे, डेल्टा आर किसके इक्वल आएगा, ए इंटू म्यू आर माइनस वन, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर वेवलेंथ के लिए अलग अलग होता है कोशी फॉर्मूला से। डेल्टा वी हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू म्यू वी माइनस वन। डेल्टा वाई क्या आ जाएगा, ए इंटू डेल्टा वाई माइनस वन। अब तुम कहोगे सर आप ए अलग अलग क्यों नहीं लिख रहे, अरे ए तो प्रिज्म एंगल है यार, वो तो प्रिज्म एंगल है, एंगल ऑफ प्रिज्म। अब क्या करने वाला हूं मैं, ध्यान से देखना, अब हम क्या करेंगे कि अगर मैं रेड में से वायलेट को माइनस करूं तो लेट अस सी क्या आएगा, रेड माइनस वायलेट, तो यहां पे कर लेते हैं एक बार रेड माइनस वायलेट। अच्छा एक चीज बताना चाहूं, जो ये जो हमारे पास यह है ना, दिस वन, ये हमारे पास क्या होता है, दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन, मैंने अभी अभी तुम्हें बताया था, दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है मीन डेविएशन, क्योंकि डिस्पर्सिव पावर में डिवाइड में क्या आता है, मीन डेविएशन आता। और अगर मैं तुमसे एंगुलर डिस्पर्शन पूछूं तो एंगुलर डिस्पर्शन, अब सर ये एंगुलर डिस्पर्शन क्या है, न्यू टर्म लाई जा रहे हो, तो ये कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, और कुछ नहीं एंगुलर डिस्पर्शन, अभी मैंने तुम्हें बताई थी, बड़ा माइनस छोटा, सबसे बड़ा वाला सबसे छोटे वाला, डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, बस खत्म हो गया। इसमें से इसको माइनस करो फटाफट, तो ये आ जाएगा ए म्यू आर माइनस वन, सॉरी म्यू वी माइनस वन माइनस ए म्यू आर माइनस वन, तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट ओपन करने पे, ये बच जाएगा म्यू वी माइनस म्यू आर, दिस इज कॉल्ड डी एंगुलर डिस्पर्शन, ठीक है मान ली सर आपकी। अभी कैसे निकालते हैं डिस्पर्सिव पावर निकालना सर आसान है, डी इन दोनों के बीच का ये जो डिफरेंस आता है यही तो है डी, ये डी है हमारे पास, ये डी है, ठीक है कैपिटल डी, अपॉन में आता है मीन डेविएशन, तो ये हो जाएगा वाई, तो ये हो जाएगा ए म्यू वी माइनस म्यू आर ए म्यू वाई माइनस वन, विच इज म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन, दैट इज
एंगुलर डिस्पर्शन। तो ये बढ़िया आ गया हमारे पास एक रिजल्ट, इस चीज को ध्यान रखेंगे। एक रिजल्ट अभी भी तो तुम्हें मैंने लिखवाया था, ओमेगा इज इक्वल टू डी डी म्यू अपॉन में म्यू माइनस वन। सेम सेम नहीं लग रहा, थोड़ा सा सेम लग रहा है सर। इसमें म्यू क्या था? म्यू था इसका मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन बीच की तो चीज थी। और ये डी म्यू का था चेंज, चेंज इसके बाद यही तो था, मैंने तुम्हें अभी भी बताया था। सेम सेम रिजल्ट लग रहे हैं, हाँ दोनों याद रखो, बढ़िया एकदम रिजल्ट है, दोनों याद रखेंगे, दोनों से काम आएगा। सो नेक्स्ट हम करने वाले हैं, अब कुछ दो कॉम्बिनेशन करने वाले हैं, और उनके साथ जो कंडीशन आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हम नेक्स्ट दो टॉपिक करने वाले हैं जिसमें दो कंडीशन आएंगे, और वो कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये प्रिज्म से रिलेटेड दो टॉपिक होंगे। कभी कभी क्या होता है हमारे पास कि हम अगर दो प्रिज्म को ऐसे अरेंज करके रखें कि उसमें डेविएशन होती नहीं है, कोई डेविएशन नहीं आने वाली, जैसे रे जा रही थी पैरेलल ही उसके निकल के चले जाए प्रिज्म से। अब तुम कहोगे सर ये तो पॉसिबल नहीं होता, प्रिज्म में जैसी लाइट एंटर करेगी तो बेंड तो होगी। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि प्रिज्म में व्हाइट लाइट गई, डिस्पर्स ही नहीं हुई, अलग अलग कलर्स में ब्रेक ही नहीं हुई जब वो बाहर आई, तो सर ये कैसे हो सकता? हाँ दो कंडीशंस हो सकते। तो सबसे पहला लिखो, हेडिंग डालो अक्रोमेटिक प्रिज्म, लिखो अक्रोमेटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन, अक्रोमेटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन लिखेंगे। तो ये हमारे पास क्या होने वाला है, एक ऐसी अरेंजमेंट होने वाली है प्रिज्म की ऐसी अरेंजमेंट होने वाली है जिससे कोई डिस्पर्शन नहीं होगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अक्रोमेटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन। तो यहां पे क्या होंगे, देयर इज अ कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म फॉर विच नो डिस्पर्शन takes place is called achromatic combination। ठीक है, सिंपल सी ऐसी बात याद रख लो। अगर तुम्हें ये वाला टॉपिक याद रखना ना, सीधी सी बात पता क्या याद रखो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्शन, बस इतनी सी बात याद रखो। डेविएशन तो हो जाए लाइट की, लेकिन डिस्पर्शन हो, सर ये कैसे करेंगे? आ जाओ मैं तुम्हें दिखाता हूं, अपने घर पे भी करके देख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। मान लो एक प्रिज्म ऐसे लिया और दूसरा प्रिज्म मैंने लिया, लाइट इसमें से एंटर करेगी, ये व्हाइट लाइट है, मैं अलग अलग कलर में भी ब्रेक करके नहीं दिखा रहा। ठीक है, ये ऐसे लाइट ब्रेक हो गई, एक मैंने प्रिज्म लिया ऐसे कर दिया, मतलब ये बिल्कुल साथ जुड़ेगा, ये तो मैं अलग अलग वैसे ही दिखा रहा हूं तुम्हें ताकि पता लग जाए कि ये दो प्रिज्म है, एकदम साथ जोड़ दिए। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा और ये फिर से मिलके एक व्हाइट लाइट वापस चल जाएगी। अभी तुम देख पाओगे ये हमारे पास इनिशियल थी, ये हमारे पास व्हाइट लाइट फाइनल है, कुछ ऐसे ऐसे है। अभी तुम देख पाओगे कि इनके बीच में कुछ एंगल, थोड़ा सा मैं इसको बना देता हूं ऐसे, इनके बीच में कुछ एंगल, ये एंगल, दिस एंगल इज कॉल्ड डेविएशन एंगल, ये तो आना ही था। ठीक है, डेविएशन है लेकिन डिस्पर्शन नहीं है, मतलब व्हाइट लाइट ब्रेक नहीं हुई कलर्स में। तुम कहोगे सर हुई तो, वो तो बीच में हुई ना, बाहर आते, मैंने तुम्हें क्या कहा था, बाहर आते हुए कोई लाइट की स्प्लिटिंग ना हो तब हमारे पास होगी अक्रोमेटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन। तो ऐसे हमने कॉम्बिनेशन रखे हैं, ऐसे हमने इसको प्रिज्म को रखा है कि वहां पर कोई भी डिस्पर्जन नहीं हो रही है। अब सर कोई कंडीशन भी है इसकी? बिल्कुल, कंडीशन लिखते हैं इसकी। कंडीशन हमारे पास क्या है, जो स्टार्टिंग में डिस्पर्जन है वही डिस्पर्जन क्या होनी चाहिए, एंड में भी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कंडीशन आ जाएगी। तो सिंपल सी कंडीशन है, यहां लिख लो डी इज इक्वल टू डी डैश, तो ये लिखेंगे हम कंडीशन। ठीक है, डी इज इक्वल टू डी डैश, तो ये डी इज इक्वल टू डी डैश में अभी अभी मैंने तुम्हें लिखवाया था, ये आएगा हमारे पास डी की जगह, ये हमारे पास आ जाएगा ए इंटू, अभी अभी तुम्हें लिखवाया था डी की जगह क्या आएगा, म्यू वी माइनस म्यू आर, यहां आ जाएगा ए, क्योंकि ये मान लेते हैं इसका प्रिज्म एंगल है ए और इसका प्रिज्म एंगल है ए डैश, तो हमारे पास आ जाएगा ए म्यू वी डैश ए डैश म्यू वी डैश म्यू आर डैश। अब
ये अलग अलग क्यों लिखे हैं? ये अलग अलग हमने इसलिए लिखे हैं क्योंकि हमें पता है अलग अलग मीडियम के लिए लाइट की जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग होगा। ये कैसे आ गया? आज स्टार्टिंग वीडियो यहीं से ही करी थी हमने, ठीक है। तो आई होप कि ये कंडीशन आ गया हमारे पास, दिस इज द कंडीशन ऑफ अक्रोमेटिक प्रिज्म कॉम्बिनेशन एपीसी। बात समझ आ गई? तो ये हमारे पास आ गया, नोट कर लो इसे, इजी था। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और चीज आने वाली है इसमें, जिसे हम कहेंगे मीन डेविएशन। मीन डेविएशन, मैंने मीन डेविएशन के बारे में अभी अभी भी बताया था। मीन डेविएशन हमारे पास सिंपल क्या होता है? मीन डेविएशन ऑफ व्हाइट लाइट। मैंने अभी भी बताया था मीन डेविएशन हमारे पास क्या होगा, जिसमें जो लाइट होगी उसके येलो कलर के साथ क्या एंगल बनेगा स्टार्ट। जो देखो पहले तो ऐसे जानी चाहिए थी, जो येलो कलर के साथ यहां पे ये जो बन रहा है, दिस इज कॉल्ड मीन डेविएशन। बात समझ पा रहे हो? ये डेल्टा एम अगर हमें बताना है तो क्या आ जाएगा? डेल्टा एम हमें पता है ये क्या होता है, इसका डिस्पर्सिव, इसका डेविएशन प्लस माइनस इसका डेविएशन, तो टोटल आ जाएगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा डेल्टा ऑफ वाई ड्यू टू दिस प्रिज्म माइनस डेल्टा ऑफ वाई ड्यू टू दिस प्रिज्म। तो ये आ जाएगा, तो हमारे पास मीन आ जाएगा, ठीक है। टोटल हमारे पास आ जाएगा, ये बन जाएगा ए म्यू ऑफ वाई, म्यू ऑफ वाई माइनस वन माइनस ए म्यू ऑफ वाई डैश, म्यू डैश वाई माइनस वन। तो यहां पर अगर हम बड़ी ध्यान से देखें तो हमारे पास इसको थोड़ा सॉल्व भी कर सकते हैं बट ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये हमारे पास यहां पे मीन डेविएशन, इस चीज को ध्यान रखो, बस इतनी सी है। एक एक कंडीशन ध्यान में रखेंगे हम एग्जाम, मतलब कभी भी क्वेश्चन करेंगे जो कि हम जल्दी ही करने वाले हैं, सेपरेट वीडियो लाएंगे प्रैक्टिस की। ये दो फॉर्मूला हमारे दिमाग में होने चाहिए। एक और है, मान लो अगर तुम पूछो कि सर ऐसा भी कभी हो सकता है कि डिस्पर्जन हो लेकिन डेविएशन हो, बिल्कुल हो सकता है। दूसरा आएगा डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट विजन कॉम्बिनेशन। तो अगर मैं इसमें तुम्हें लिखवाना चाहूं तो आएगा डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन, डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। तो लिख सकते हो द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रिज्म फॉर विच नो डेविएशन टेक्स प्लेस, डेविएशन, कोई डेविएशन नहीं होने वाली, इस चीज को ध्यान रखो। यहां तक नोट कर लो, फिर मैं रब करूं इसे। तो इसका हमारे पास जो कॉम्बिनेशन बनेगा बनेगा वो हमारे पास कुछ ऐसा दिखाई देगा, वो हमारे पास कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहां पे समझ आ गया, यहां पे सिंपल क्या था, d इक्वल टू था d डैश, कोई डिस्पर्शन नहीं थी, मतलब जितना एंगल ऑफ डेविएशन उसमें जा रहा था उसमें से एग्जिट हो रहा था पहले में से, दूसरे में उतना ही अंदर चला गया और बाहर बाद में क्या आ गई, विदाउट डिस्पर्शन लाइट आ गई। पहले जितनी डिस्पर्शन हो रही थी, जिस एक में से एग्जिट कर रही थी, दूसरे में से एंटर की और बाद में क्या हुआ, कोई डिस्पर्शन नहीं। अब क्या होगा, जितनी डेविएशन स्टार्टिंग में होगी हा उतनी ही डेविएशन एंड वाले से हो जाएगी। दोनों का डेविएशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एग्जिट इज इक्वल टू एंट्रिंग। देखते हैं, आ कंडीशन तो मिल जाएगी यहां से, और मीन डेविएशन तो हमें समझ आएगा, क्या इसमें भी मीन डेविएशन आएगा? लेट्स सी। एक हमने प्रिज्म लिया दोबारा से, ये हमने प्रिज्म लिया, यहां पर हमने लाइट को भेजा ऐसे, प्रिज्म जो है ये व्हाइट लाइट है, ये दो पार्ट में ब्रेक हुई ऐसे। फिर क्या हुआ नेक्स्ट हमारे पास, फिर हमारे पास ये फिर से हुई दो पार्ट में ब्रेक, फिर क्या हुआ, ये फिर से हुई कुछ ऐसे, ठीक है। लगने के बाद एक लाइट तो ऐसे निकल गई, रेड चली गई यहां पे, वायलेट चली गई यहां पे, ये वायलेट, ये रेड, ये येलो। अगर तुम बड़ी ध्यान से यहां पे देख पाओगे तो ये बीच वाली के साथ कितना एंगल बना रही है, जीरो डिग्री। तो कोई डेविएशन नहीं, कोई मीन डेविएशन नहीं है इसमें। जितना यहां से गई उसके पैरेलली एंड में चली गई, तुम बड़ी ध्यान से देख पा रहे होंगे, उसके पैरेलल ही यहां से चली गई, उसके पैरेलल ही यहां से चली गई। इसका मतलब कोई डेविएशन नहीं हुई इस बार, कोई डिस्पर्शन हुई लेकिन डेविएशन नहीं हुई। ये इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, इसकी कंडीशन कैसे निकाले कि हमेशा ऐसा हो? तो इसका मतलब जितना यहां से एग्जिट कर रहा होगा
उतना ही इसमें एंटर कर रहा होगा मीन डेविएशन, है ना। ये दोनों मीन ये डेविएशन एंगल हम इक्वल रख देंगे, जो हमें पता है ये आ जाएगा ए म्यू माइनस वन, म्यू येलो माइनस वन क्योंकि मीन है, मीन पे येलो लेते हैं, ए डैश म्यू वाई डैश माइनस वन, दिस इज द कंडीशन। बस इतनी सी बात थी, कंडीशन ऑफ डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन। कर लो नोटिस, नोट्स बना लो अच्छे से। लिख लिया, चलो नेक्स्ट। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अगर मैं टोटल एंगुलर डिस्पर्जन निकालना चाहूं कि एंगुलर डिस्पर्जन टोटल कितनी हुई है, टोटल एंगुलर डिस्पर्जन ये, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहां लिखेंगे टोटल एंगुलर डिस्पर्जन, जैसे अभी हमने टोटल तुम्हें निकलवा के दिखाई थी मीन डेविएशन, वैसे ही आएगी टोटल एंगुलर डिस्पर्जन डी विच इज इक्वल टू डी, ठीक है, माइनस में डी डैश। अगर पहले ही होता तो, अगर ये पहले ही स्प्लिट हो जाती, अगर एक ही प्रिज्म पड़ा होता तो ये ज्यादा डेविएट होती, ज्यादा डिस्पर्स होती, इसके रखने से थोड़ी कम डिस्पर्स हुई है, लेकिन कम तो डिस्पर्स हुई है, मान लिया कम डिस्पर्स हुई है, लेकिन डेविएट भी तो नहीं हुई। ध्यान से एक और बार सुनो, पिछले वाले केस में क्या था, जब हम पिछले वाले केस की बात कर रहे थे, मैंने इसमें यहां पे दो प्रिज्म रखे थे, एक लाइट ऐसे एंटर की ऐसे गई और ऐसे चली गई, कुछ एंगल ऐसे चली गई, इसमें क्या हुआ था डिस्पर्शन नहीं थी, डेविएशन थी, यहां से डेविएशन जरूर थी लेकिन डिस्पर्शन नहीं थी। फिर हमने मीन डेविएशन कैसे निकाला, अगर इसे अकेले से जाती तो आता मीन डेविएशन डेल्टा, अकेले से जाती तो इतने आया, और अब क्योंकि ये वाला कॉम्बिनेशन भी रख दिया तो इतनी माइनस हो जाएगी, कम डेविएट हुई है इस पर। हाँ डेविएट कम हुई थी लेकिन डिस्पर्स भी तो नहीं हुई। यहां पे क्या हुआ सर, एक और बार सुनो, यहां पे क्या हुआ, अगर ये सिर्फ एक प्रिज्म से जाती तो डी इसकी डिस्पर्जन होनी थी, डी टी लिख लो टोटल, अगर ये अकेले एक ही प्रिज्म में से जाती, सिर्फ एक ही प्रिज्म में से जाती तो क्या होता, अगर एक ही प्रिज्म में से जाती तो डी डेविएशन आती, ज्यादा डिस्पर्स होती, वो विबग्योर ज्यादा बड़ा बनना था, क्योंकि एक और भी प्रिज्म रख दिया कम डिस्पर्स हुई लेकिन डेविएट नहीं हुई। लिखो अपनी लैंग्वेज में, अब समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से, आ गया समझ, चलो आ जाओ, बस अब तो वैल्यू डालनी है, कुछ नहीं रह गया यहां पे। यहां क्या आएगा डेविएशन, ये हमें पता है ए म्यू वी माइनस म्यू आर, ये क्या आ जाएगा माइनस ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, दैट इज इट, हो गया। तो इसे भी लिख लेंगे हम, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, अपने काम की चीजें हैं तो लिख लो अच्छे से। नेक्स्ट जो अपने पास आ रहा है वो है एब्रेशन, इन लेंसेज एंड मिरर्स। अब ये लेंसेज और मिरर में एब्रेशन क्या होता है, कभी कभी डिफेक्ट्स आ जाते हैं इमेज प्रोड्यूस करने में, तो लिखेंगे डिफेक्ट इन दी इमेज प्रोड्यूस्ड by lenses and mirrors is called aberration। इस चीज को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब दो तरह के aberration हमें देखने को मिलते हैं, सबसे पहला होता है chromatic aberration, तो सबसे पहले लिखेंगे हम chromatic aberration, हा aberration, और दूसरा अपने पास है स्फेरिकल एब्रेशन। मैं यहीं पे लिख लेता हूं दोनों, ताकि एक साथ में दोनों एक्सप्लेन कर सकूं, स्फेरिकल एब्रेशन। हाँ तो ये जो क्रोमेटिक एब्रेशन है ये क्या होता है, दिस क्रोमेटिक एब्रेशन इज द डिफेक्ट इन इमेज प्रोडक्शन ड्यू टू डिफेक्ट इन इमेज प्रोड्यूस्ड
ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। हाँ, तो ये क्या होता है कभी कभी, मैंने मान लो लेंस को यूज किया, इमेज ढंग की बनी नहीं, इमेज बहुत ब्लर बन रही थी, पता नहीं क्या हुआ, इमेज ब्लर बन रही है, डिफेक्ट आ गया, उसमें मजा नहीं आ रहा एकदम इमेज देखने में। और उसका रीजन क्या हो डिस्पर्जन ऑफ लाइट, मैं दिखाता हूं कैसे। मान लो एक लेंस है हमारे पास, इसमें से लाइट रेज ऐसे आई, बढ़िया आई एकदम, लेकिन ये थी व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट है। कुछ लाइट तो यहां चली गई, कुछ लाइट तो यहां चली गई, क्यों? क्योंकि हमें पता है ये जो रेड लाइट होती है ना, ये जो रेड लाइट होती है ये ज्यादा दूर तक चली जाती है, ये है रेड लाइट। ये डिस्टेंस क्या है रेड लाइट का डिस्टेंस, मान लेते हैं ये एफ आर, जहां पर लाइट मिलती है फोकल लेंथ एफ आर। लेकिन जो वॉयलेट लाइट थी वो यहां पर जाके गिरी थोड़ी पीछे एफ वी, दिक्कत आ गई, इमेज तो ब्लर हो गई, यहां पे तो पॉइंट इमेज बनेगी, आज तक हमने देखा इसके बीच में भी कलर है, इसके बीच में यहां पे भी कलर है, तो इमेज तो ब्लर होगी। दिस ब्लरीनेस और दिस दिक्कत इज नोन एज क्रोमेटिक एब्रिएशन। एक अच्छी बात यह है क्रोमेटिक एब्रिएशन कभी भी लेंसेज में नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्पर्जन कहां से करोगे, डिस्पर्जन मीडिया की डेफिनेशन जब मैंने लिखवाई थी, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम में से लाइट निकलती है स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट कलर में से, डिस्पर्जन, लेकिन मिरर में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिख लेंगे मिरर्स आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रिएशन, तो यहां पर लिख लो मिरर्स आर फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रिएशन, क्रोमेटिक एब्रिएशन। और ये समझ तो आ गया ना कि ये एब्रिएशन होती क्या है, इमेज में जो डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट आ रहा है व्हाइट लाइट की वजह से, व्हाइट लाइट एंटर की, जो हमें पता है रेड लाइट होती है वो ज्यादा तेज ट्रेवल करती है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था तेज ट्रेवल करेगी दूर तक निकल जाएगी, वॉयलेट धीरे ट्रेवल करती है तो पास तक गिरेगी, बाकी उनके बीच में गिरेगी, बीच में कौन सी गिरेगी, येलो लाइट गिरेगी, जैसे ही गिरेगी दूर और पास तो बीच में पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो एक ब्लर इमेज बनेगी। बात समझ पा रहे हो? हाँ, बहुत बढ़िया सर, ये तो हमें समझ आ गया, ठीक है, समझ आ गया, तो स्फेरिकल भी समझते हैं। ये लिखेंगे डिफेक्ट इन इमेज प्रोड्यूस ड्यू टू मार्जिनल रेस ऑफ लाइट इज नोन एज स्फेरिकल, यहां लिखेंगे डिफेक्ट इन इमेज प्रोड्यूस ड्यू टू मार्जिनल, और मैं पहले बता रहा हूं अभी तक एक भी न्यूमेरिकल नहीं आया, लेकिन जब आए तो सारे फॉर्मूला रट के आने, पहले समझ लो सारा कुछ, फिर रटना भी हमारी एक प्रैक्टिस का ही पार्ट है, फॉर्मूला याद तो करोगे, उसको मैं रटने का नाम दे रहा हूं। ड्यू टू मार्जिनल रेस डिफेक्ट्स इन डिफेक्ट इन इमेज प्रोड्यूस ड्यू टू मार्जिनल रेस आर कॉल्ड स्फेरिकल एब्रिएशन। मैं दिखाता हूं कैसे, हमने आज तक जितने भी फॉर्मूला पढ़े थे, मिरर्स फॉर्मूला वगैरह वगैरह, ये लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला, तुम्हें पता है ये सारे मैंने बताए थे तुम्हें, स्पेशली हाईलाइट कर करके चीख चिल्ला के बताए थे, ये सारे फॉर्मूलाज आर वैलिड ओनली फॉर पैराक्सियल रेस। अब पैराक्सियल रेस कौन सी होती है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पास पास आती है, बिल्कुल पास पास बताई थी, जो दूर दूर आएंगी वो क्या होती है, वो होती है हमारे पास मार्जिनल रेस, दीज आर पैराक्सियल रेस, दीज आर मार्जिनल रेस। सिंपल याद कैसे रखना है, पैराक्सियल रेस कौन सी होती है, जो पास होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और मार्जिनल रेस कौन सी होती है, जो दूर होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से। अब जो पास दूर का चक्कर है क्या होगा, ये जो दूर वाली रेज है यहां पे इमेज बनाएंगे, ये यहां पे इमेज बनाएंगे, ये उसकी वजह से नहीं है कि वो व्हाइट वॉयलेट वगैरह वगैरह कुछ नहीं, ये मार्जिनल रेज की वजह से। अब ये मिरर में भी हो सकता है, लेंस में भी हो सकता है, एक यहां पर बनी एक यहां पर बनी, अरे कुछ तो यहां पर भी बनेगी, सारी लाइट आके कुछ यहां आएंगी यहां टकरा के यहां, कुछ यहां आएंगी यहां से टकरा के यहां, तो भैया ये तो इतने रीजन में इमेज बनेगी जितने में मैंने ये डिब्बा बनाया, इतने रीजन में तो ब्लर हो गई ये तो, अबे ये तो ब्लर हो गई इमेज, डिफेक्ट आ गया इमेज में। हाँ, यही डिफेक्ट वो तो मैं इंफिनिटी से अभी रेस तुम्हें दिखाई ना, मान लो मैं पास ही ऑब्जेक्ट रख दूं और उसमें भी पैराक्सियल रेस बना, तो ये जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये कहां पे वैलिड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पैराक्सियल रेस पे, कौन से, मिरर्स फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ये सारे, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। ऐसे लेंसेज में भी होता है, लेंसेज में भी मैं तुम्हें दिखा सकता हूं, फिर सर इसे सही भी करना पड़ेगा, हाँ
इसे सही भी करना पड़ेगा। तुम्हें मेथड सिखाएंगे, दो ऐसे मेथड सिखाएंगे जिससे ये सही भी हो सकता है डिफेक्ट। तो सबसे पहले ये देख लो कि क्या लेंसेज में भी हो सकता है, क्या ये लेंसेज में भी हो सकता है। मान लो लेंस है, इसमें तो पास पास रेज आई थी वो तो यहां पे मिल गई, जो दूर दूर आई थी बहुत दूर है ये यहां पे आके मिल रही है, बन गया डिफेक्ट, सेम डिफेक्ट। ये होती है पैरेक्सियल रेस, ये होती है मार्जिनल रेस। तो ये जो स्फेरिकल एब्रिएशन होती है दोनों में हो सकती है, मार्जिनल में भी और सॉरी मार्जिनल में नहीं, मिरर्स में भी और लेंसेस में भी, ठीक है। अब अगला हमारे पास आता है मेथड्स टू रिड्यूस एब्रिएशन। सबसे पहला होता है यूज ऑफ स्टॉप, यूज ऑफ स्टॉप्स। स्टॉप्स का होता है सीधा सीधा तो ऐसा जुगाड़ू तरीका, हमारे जैसे हम जैसे जुगाड़ करते हैं ना वो वाला तरीका है कि अगर मान लो मेरे को मिरर में से इमेज बनानी, बढ़िया इमेज बननी चाहिए, तो हटा दो मार्जिनल रेस। सीधा तरीका पहले तो मेरे भी दिमाग में यही आया था, एक बोर्ड लो उसमें से होल कर दो, उसमें से सिर्फ मान लो रेस तो सारी आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन हम कौन सी अलाउ करें, यानी सिर्फ ये वाली, तो अपने आप ही बन गई है। लो थोड़ा सा इसको मैं मिरर को छोटा बना लेता हूं, अब ठीक लो बन गई एकदम बढ़िया, एकदम एक पॉइंट बन गई। अब तुम कहोगे सर आपने किया क्या, मैंने यहां पे सिंपल एक छोटी सी चीज की है कि सारी की सारी मार्जिनल रेस को उड़ा दिया, इस स्टॉप से रोक दिया, तभी तो इसका नाम दिया स्टॉप्स, स्टॉप, बात समझ बार रोक दिया मैंने, बस इतनी सी बात की। इसको नोट कर, ये हमारे पास है पहला यूज। अब दूसरा हमारे पास आता है कि बाय यूजिंग टू कन्वेक्स लेंसेस। इसका प्रूफ नहीं है अपने पास अभी, है ना, इसका प्रूफ कभी तुम्हें मतलब ऐसे होगा ना कि एडवांस चीजें पढ़ाएंगे बहुत ज्यादा एडवांस तब यूज में आएगा, वरना इसका कोई यूज नहीं है ज्यादा, ठीक है, बस ये याद रखने वाली चीज है। बाय यूजिंग टू कन्वेक्स लेंसेस इन सच अ वे टू रिड्यूस स्फेरिकल एब्रिएशन। सो हम ऐसे इसको लगाने वाले हैं ताकि स्फेरिकल एब्रिएशन रिड्यूस हो जाए, तो हम यहां लिखेंगे बाय सेपरेटिंग टू कन्वेक्स लेंसेस। इसका कोई प्रूफ नहीं अभी मैं कराने वाला हूं, ठीक है, बाय सेपरेटिंग टू कन्वेक्स लेंसेस इन सच अ वे दैट डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन देयर फोकल लेंथ। अगर मैं क्या करूं, मान लो एक की डिस्टेंस है, एक की फोकल लेंथ 10, दूसरे की 8, तो मैं अगर उनको 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रख दूं, स्फेरिकल एब्रिएशन रिड्यूस हो जाएगी। कैसे हुई सर, प्रूफ बताओ, प्रूफ जल्दी ही बताएंगे, ठीक है, बट अभी के लिए लिख लो। अगर d इज इक्वल टू क्या हो, f1 - f2, अगर इतनी सेपरेशन हो दो कन्वेक्स लेंसेज के बीच में, तो क्या होगा, स्फेरिकल एब्रिएशन रिड्यूस हो जाएगी। अभी इसे प्रूफ की जरूरत नहीं, ठीक। बस विश्वास रखो इसकी कोई जरूरत नहीं, ऐसे समझ लो कि हमने एक्सपेरिमेंटली ये चीज देखी है। अब अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक सो नेक्स्ट अपने पास है लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशन, लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशन इन अ लेंस। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, जैसे अभी तुम्हें कराया लेंस में कैसे निकालते। मान लो यहां पे हमारे पास एक लेंस है,
इसमें से लाइट आई, कुछ लाइट आ गई यहां पे, अभी अभी मैंने तुम्हें कराया था क्रोमेटिक एब्रिएशन, है ना, वही वही क्रोमेटिक एब्रिएशन है ये, सिर्फ किसमें देखने को मिलेगी, उसमें लेंसेज में, वरना तुम कहीं चिल्ला के बोलते सर आपने उसमें मिरर में तो कराई नहीं है, ठीक है, इसलिए पहले ही बता देते हैं, होती ही सिर्फ लेंस में, अभी अभी लिखवाई थी डेफिनेशन, डिस्पर्जन किसमें होती है, डिस्पर्जन होती है सिर्फ लेंसेज में, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, और कहीं तो बिल्कुल चौंक गए होंगे, हैं सिर्फ लेंसेज में होती है डिस्पर्जन, ऐसे कैसे, अरे डेफिनेशन लिखवाइए तुम्हें, ट्रांसपेरेंट मीडियम में ही हो सकती है डिस्पर्जन, बात समझ आ गई, ठीक है, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं एफ आर, रेड वाली ज्यादा दूर भागेगी क्योंकि रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम है उसका, यहां से यहां तक डिस्टेंस है हमारे पास एफ वी, फोकल लेंथ फॉर वायलेट है, अपने अपने इनके तेवर है, कोई ज्यादा दूर तक जाके मिलेगी, कोई कम दूर तक, अपने अपने तेवर, अपने अपनी स्पीड है, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं डी, दिस इज एफ वी माइनस एफ आर, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल, मैंने पूरा यहां लिखा हुआ लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एब्रिएशन एल सी ए, तुम फुल फॉर्म में लिखो, मैं जल्दी जल्दी करना चाहता हूं, हाँ, अब यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले तीनों के लिए लगाना है, तीनों के लिए लगाना है, सबसे पहले वायलेट के लिए लगा लो, तुम्हें पता ना येलो लाइट भी बिल्कुल बीच में से पास करेगी, हाँ, पहले रेड के लिए लगा लो, तो याद रहेगा वन बाई एफ म्यू आर माइनस वन, मेरे ख्याल से तुम्हें याद होगा, ऐसे थोड़ी याद होगा, याद था ना तुम्हें, फिर भी वन बाय एफ वी इज इक्वल टू म्यू वी माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, बढ़िया एकदम, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, आगे थोड़ा रब करना पड़ेगा मुझे, एक येलो के लिए भी लिख लेते हैं म्यू वाई माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, कोई दिक्कत आता, चलो एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग दिस फ्रॉम दिस, सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, वन टू माइनस वन, ठीक है, टू माइनस वन, इसमें से इसको माइनस करके देखो, तो थोड़ा दिमाग तो तुम्हें भी चलाना पड़ेगा, मैं फाइनल रिजल्ट लिख रहा हूं, मेरे ख्याल से तुम्हें आती हैं ये चीजें जो मैं आप लिखने वाला हूं, सर आपने वन कहां उड़ा दिया, सब्ट्रैक्ट हो गया, करके देख लो, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वन वाली टर्म खत्म हो जाएगी, ओपन करके देखना, खुद से करो ये छोटा सा काम, अब इसका एलसीएम लो तो याद रहेगा एफ आर माइनस एफ वी अपॉन में एफ वी इंटू में एफ आर म्यू वी माइनस म्यू आर, एकदम बढ़िया, ठीक है, बात मान ली, एक काम करते हैं म्यू माइनस वन को मल्टीप्लाई, म्यू माइनस वन को डिवाइड कर लेते हैं उधर की साइड, सर कुछ तो झमेला करने जा रहे हो ना, हाँ देखो एफ आर माइनस एफ ई एफ वी एफ आर म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई माइनस वन म्यू वाई माइनस वन वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, अरे 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 ये देखी हुई चीज लग रही है भाई, कहां देखी थी, डिस्पर्सिव पावर, ये ना बात एफ आर माइनस एफ ई एफ आर एफ वी, दिस इज डिस्पर्सिव पावर, अभी अभी कराया था मैंने तीन मिनट पहले, ओमेगा, ये पूरा क्या है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, ये रही वन बाय एफ वन, बात समझ पा रहे हो, एक हम यहां पे अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं, एक हम यहां पे छोटी सी अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डरना नहीं, छोटी सी अप्रोक्सीमेशन क्या यूज करने वाले हैं कि तो फोकल लेंथ है ना, ये जो है ये इतना ज्यादा बड़ा गैप नहीं, इतना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एफ आर एफ वी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ वाई का स्क्वायर, लगभग लिख सकते हैं हम इसे, ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें डाल दो तो क्या आ जाएगा, एक अप्रोक्सीमेशन यूज करिए याद रखना, एक एक अप्रोक्सीमेशन से आया ये जो मैं फॉर्मूला निकालने वाला हूं, एफ आर माइनस एफ वी ओमेगा एफ वाई का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, एफ आर माइनस एफ वी, बढ़िया एकदम फॉर्मूला आया है, इसको ध्यान रखेंगे, इस पर बनते हैं, इस पर बनते हैं क्वेश्चन, इसको बन जाएंगे, ये ध्यान रखो, एकदम बढ़िया आया, रिमेंबर दिस इज डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर याद रखेंगे, ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट टॉपिक पे अपने, क्रोमेटिक एब्रिएशन ऑफ लेंस, क्रोमेटिक एब्रिएशन ऑफ लेंसेज,
अभी तो हमने लॉन्गिट्यूडनल क्रोमेटिक एप्रिएशन किया है, अब हमारे पास आएगा क्रोमेटिक एप्रिएशन। अभी क्रोमेटिक एप्रिएशन हमारे पास क्या होता है, इस चीज को ध्यान से सुनेंगे कि क्रोमेटिक एप्रिएशन हमारे पास होगा, सो क्रोमेटिक एप्रिएशन हमारे पास क्या होगा, अगर मैं दो या दो से ज्यादा लेंसेस को जोड़ देता हूं साथ में ताकि कोई क्रोमेटिक एप्रिएशन ना हो, देन दैट इज कॉल्ड क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। तुम पूछोगे क्या सर ये वही है जो अभी आप सेकंड वाले पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहे थे हमें? हाँ वैसा ही कुछ है। अभी मैंने तुम्हें मेथड ऑफ रिड्यूसिंग बताया था ना, जिसमें लेंसेस का कॉम्बिनेशन लो, तो उसमें क्या होता है, लेंसेस का कॉम्बिनेशन लेने से हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी क्रोमेटिक एब्रिएशन। ठीक है, तो हम यहां लिखेंगे टू और मोर लेंसेज आर यूज, टू और मोर लेंसेज आर यूज टू रिड्यूस क्रोमेटिक एब्रिएशन इज कॉल्ड क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। सर आप इसमें मिरर भी यूज कर सकते हो, मिरर कैसे यूज करेंगे? अबे क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, क्रोमेटिक किसमें होती है एब्रिएशन? सिर्फ और सिर्फ लेंसेज में, जिसमें डिस्पर्जन होगी। समझ आ रही है? तो सबसे पहले अगर हम यहां पे एक चीज देखें तो हम यहां क्या करने वाले, बाय यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला। हमें पता है 1/F = μ-1, 1/R1 - 1/R2। ध्यान से देखना कुछ नहीं है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, क्योंकि हमें पता है जो उसमें एब्रिएशन आती है वो थोड़ी ऐसे विड्थ वाली होती है ना, वो FV - FR बताया था ना अभी मैंने, इसमें बताया FV - FR। अरे वो अभी दिखाया था, एक लाइट रे यहां पे आके गिरेगी और एक लाइट रे यहां पे आके गिरेगी, तो ये जो है इसको बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, क्योंकि बहुत छोटा है तो हम इसको DF भी लिख सकते हैं, क्योंकि DF लिख छोटी चीजों को DF लिख सकते हैं ना, इसलिए मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं। देखते हैं क्या होता है, याद रहेगा माइनस के DF अपॉन में F स्क्वायर, इन डिफरेंशिएशन ऑफ 1/F क्या होगी, माइनस के 1/F स्क्वायर इंटू DF, d μ - 1, और ये तो सेम ही रहने वाला, डिवाइड कर लो इससे इसको, तो याद रहेगा माइनस के DF अपॉन में F, इससे इसको डिवाइड करोगे, एक F से F कैंसिल हो जाएगा, इससे पूरा ये कैंसिल हो जाएगा, रुको ये माइनस वन नहीं बचेगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 की 0 हो जाएगा, ये बच जाएगा d μ / μ - 1, इससे इसको डिवाइड करोगे 1/R1 - 1/R2 से कैंसिल हो जाएगा ये, तो ये हमारे पास बचा। लेकिन रुको, ये तो तुम्हें नहीं लगता डिस्पर्सिव पावर, अभी मैंने तुम्हें जब डिस्पर्सिव पावर कराया था तुम्हें ये दिखा था फॉर्मूला रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के टर्म्स में आया था ना ये फॉर्मूला, हाँ तो ये फॉर्मूला हमने अभी देखा है। लेकिन एक मिनट रुको, एक चीज हमने और ऑब्जर्व की हुई है, क्या कि जब भी हमें हमारे पास लेंसेज का कॉम्बिनेशन होता है, हमने कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज यूज किए तो हमें पता है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ लेंस कॉम्बिनेशन इज गिवन बाय 1/F equivalent इज इक्वल टू 1/F1 + 1/F2। बात समझ पा रहे? अरे ये हमारे पास क्या हो जाएगी, माइनस के DF equivalent डिफरेंसिएशन अपॉन में F equivalent का स्क्वायर। अब ये डिफरेंसिएशन कैसे हो रही है ये भी एक बार साइड में बता देते हैं, 1/F की डिफरेंसिएशन क्या होती है, योगी माइनस के 1/F स्क्वायर, F ऊपर जाएगा, पावर -1 हो जाएगी, -1 आगे, फिर उस -1 में से -1, ऐसे करते हैं ना डिफरेंसिएशन इसकी करोगे, -1 आगे, -1 -1, फिर हो जाएगा -1, माइनस के F - 2, F की पावर -2 नीचे आ जाएगा, लेकिन साथ में DF भी आएगा। DF क्या है, क्योंकि हम किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंसिएशन नहीं कर रहे इसलिए DF भी आया, इसकी क्या हो जाएगी, माइनस के DF1 / F1 का स्क्वायर, फिर माइनस में DF2 / F2 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्यों 0 होना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं चाहिए यहां पे कोई भी डिफेक्ट,
ये जो F इक्विवेलेंट आ रहा है ये नहीं आना चाहिए F इक्विवेलेंट। अरे तभी तो हमारे पास कंडीशन आएगी, ये इसको इक्वल टू जीरो रखोगे तभी तो ये होगा। कंडीशन फोर जीरो को लिख लो, कंडीशन फोर, कंडीशन फोर कंडीशन, रुको इसे करता है कन्वर्ट इन अंग्रेजी में, कंडीशन से हमारे पास आ जाएगा इफ कॉम्बिनेशन इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रिएशन, तो हमारे पास कोई भी डी एफ इक्विवेलेंट नहीं आने वाला। अरे डी एफ इक्विवेलेंट वही तो था वो एफ वी माइनस एफ आर, हमें नहीं चाहिए वो, वही तो रिड्यूस करने के लिए लेंसेज के कॉम्बिनेशन लगाए हैं, हमें नहीं चाहिए, इसलिए इसको कल में हमने क्या लगा दिया जीरो, इफ कॉम्बिनेशन इज फ्री फ्रॉम क्रोमैटिक एब्रिएशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा डी एफ वन अपॉन में डी एफ वन का स्क्वायर प्लस डी एफ टू अपॉन में डी एफ टू का अपॉन में एफ टू का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। नहीं समझ आया क्या क्यों जीरो करा, मैं बताता हूं, जो हमारे पास लेंसेज में वो आ रहा था वो एफ वी माइनस एफ आर, अपने नोटबुक में देखो अभी अभी लिखवाया था मैंने, एफ वी माइनस एफ आर जो आ रहा था वो बीच में जो था एफ वी माइनस एफ आर वो छोटा सा डी एफ था, वो किसकी वजह से आ रहा था इस बार, किसकी वजह से आ रहा था इस बार, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की वजह से आ रहा था, एक लेंस नहीं लगा, वो पिछली बार आ रहा था एफ वी माइनस एफ आर जब मैंने लॉन्गिट्यूडनल कराया था उसमें एक ही लेंस था, अभी दो या दो से ज्यादा लेंस लगाए उनकी वजह से आ रहा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो जीरो लगा दो, ये तुम्हें जो डिफरेंस है नहीं चाहिए ना इक्वल टू जीरो लगा दो तो कंडीशन आ जाएगी। अगर मैंने जीरो खुद से लगाया है तो यहां पे कहेगी कंडीशन। अब जो भी आएगा हमारे पास यहां पे, जो कि आने वाला, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं डी एफ वन अपॉन में एफ वन इंटू में वन बाय एफ वन प्लस डी एफ टू अपॉन में एफ टू वन बाय एफ टू इक्वल टू जीरो विच इज ये हमारे पास क्या आ जाएगा ओमेगा वन, इसके साथ माइनस भी लगा ही लो, माइनस भी मैंने यहां से शायद हटा दिए, माइनस लगे रहने, ये हमारे पास माइनस माइनस, ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा ओमेगा वन अपॉन में एफ वन एक बचेगा प्लस ओमेगा टू अपॉन में एफ टू एक बचेगा, दिस इज द कंडीशन। अगर ऐसा होगा तो जीरो आएगा, लेकिन तुम कहोगे सर ये जीरो कैसे आ सकता है, डिस्पर्सिव पावर तो नहीं लग रहा, नेगेटिव होगी तो क्या होगा एफ वन और एफ टू नेगेटिव होंगे, ना 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 दोनों में से एक नेगेटिव होगा, दिस इज पॉसिबल पॉसिबल ओनली इफ एफ वन एंड एफ टू आर ऑफ ऑपोजिट साइंस, ऑपोजिट साइंस मतलब एक कन्वर्जिंग हो एक डाइवर्जिंग हो, एक कनकेव हो एक कन्वेक्स हो, ऐसा हो सकता है। बात समझ आ गई, एक बार फिर से बता देते हैं जीरो क्यों आया था यहां पे, एफ इक्विवेलेंट जो था ये हमें नहीं चाहिए, ये डी एफ इक्विवेलेंट हमें नहीं चाहिए था इसलिए हमने जीरो लिखा। तो सर आपने खुद से क्यों जीरो, खुद से जीरो लगाया तो कंडीशन है, ये कंडीशन है, अगर ऐसा होगा तो इसके इक्वल टू में जीरो आएगा और ये कंडीशन हमें यहां से मिल जाएगी कि कितनी रखें, ये हमारे पास कंडीशन है, कितना हमारे पास कैसे एडजस्टमेंट रखें, कितनी डिस्पर्सिव पावर हो कितनी फोकल लेंथ हो यहां पर पता लग जाएगा। इस फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे सारी वैल्यूज, अगर हमारे पास इक्वल टू जीरो आ रहा है तो मतलब वो वैल्यू सही है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये वाला, ये यूज होगा याद रखना, ये जब मैं प्रॉब्लम्स कराऊंगा प्रीवियस ईयर भी दिखाऊंगा यूज होगा, ठीक है। कितनी मैं ये वैल्यूज रखूं ताकि इक्वल आ जाए जीरो, तो हमने कहा ये एफ वन एफ टू ऑपोजिट होने चाहिए, डिस्पर्सिव पावर नेगेटिव नहीं है तो ये ऑपोजिट होनी चाहिए, ऑपोजिट साइन क्यों होनी चाहिए, ऑपोजिट साइन का मतलब अलग अलग मिरर मेरे को अलग अलग लेंसेज लेने पड़ेंगे, कन्वेक्स कनकेव कुछ भी। तो आई होप कि यहां तक बात तुम्हें समझ आ गई हो, दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्शन ऑफ लाइट, कंप्लीट हमने कर लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, कोई बुक चेक कर लो कहीं भी चेक कर लो कुछ नहीं बचा हमने, कुछ नहीं छोड़ा अब इसमें, ठीक है। तो आई होप कि समझ आया आया हो ये टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट में हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स, जिसमें बहुत सारी बातें करेंगे, हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होता है और बहुत सारे नए पन्ने पढ़ेंगे फिजिक्स के, बहुत सारी न्यू चीजें पढ़ेंगे कि लाइट इज नॉट अ रे इट इज अ वेव, फिर थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे लाइट इज नॉट अ वेव सॉरी लाइट इज नॉट अ वेव इट इज अ पार्टिकल, फिर थोड़े टाइम बाद पढ़ेंगे ओ सॉरी 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 लाइट इज नॉट अ वेव और नॉट पार्टिकल दे आर बोथ, फिर एंड में पढ़ेंगे जाते जाते कि समझ नहीं आया, मतलब पढ़ेंगे नहीं हमारे दिल से निकलेगा,
ऐसा नहीं निकलने देंगे, तो बिल्कुल समझा के भेजेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।